आज हम बात करने वाले हैं Amazon की फायर स्टिक के बारे में, जिसका कि आप यहाँ पर बैक कवर देख भी सकते हैं। इसका मॉडल नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो ये है S3L46N, और अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.25 वोल्ट मैक्स 1 एम्पियर, एंड असेंबल इन चाइना, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग तो शायद कहीं और किसी कंट्री में होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये किस कंट्री में जो है मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन असेंबल इन इंडिया, यानी कि इसकी असेंबलिंग इंडिया में ही हो रही है। चलो अब बात करते हैं, ये तो इसका बैक कवर हो गया, एंड उसके बाद ये इसका फ्रंट कवर हो गया। ये अमेजोन का सिंबल, इसको अब हम साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है इसका हमारा मेन फायर स्टिक। ये एक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड दूसरी साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं बात करूँ इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की, तो ये एक HDMI पोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। इस HDMI पोर्ट को हमें अपने TV के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट करके और हमें इनपुट मिल जाती है। इसको हमें अपने HDMI पोर्ट में कनेक्ट करना होता है TV के, एंड फिर हम डायरेक्टली इसका इनपुट जो है अपने TV में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका पोर्ट है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ बिल्ट इन होता है। इस तरफ एक ये थर्मल पैड लगा हुआ है जो कंपोनेंट्स के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, कोई ऐसा पर्पस नहीं है, इसके नीचे कोई मेजर कंपोनेंट नहीं है। बट इसके साइड में एक EMMC लगी हुई है, अगर मैं उसका नंबर आपको दिखा पा रहा हूँ तो, जिसमें कि लिखा हुआ है THGBMJG6C1। ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 8GB का EMMC एक IC है। सेम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के लिए एक माइक्रो USB एक जैक यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड साइड की, तो सेकेंड साइड के अंदर यहाँ पर आपको तीन मेजर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर का अगर मैं नंबर आपको शो कर पाऊँ तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो। मुझे इसके बारे में कोई भी गूगल पे डेटा शीट नहीं मिली। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ये SK हाइनिक्स का रैम लगा हुआ है, जो कि 2 चैनल का रैम है और 8GB का है एज पर डेटा शीट। एक्चुअल में इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है मैं नहीं जानता, बट एज पर डेटा शीट जो ये रैम है ये 8GB का है, जिसके अंदर 2 चैनल बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है MT8695, जो कि एक 4 कोर का जो है प्रोसेसर है, जो कि 1.7 GHz का है। और एक्चुअल में जिस तरीके से मैंने इसको देखा, मैंने इसको थोड़ा सा रीड किया, तो मे बी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी जो है रैम लगती है, तो ये वाली एक सिंगल रैम 8GB की हो सकती है, क्योंकि इस फायर स्टिक का कोई मेजर टास्क नहीं है। बट एक्चुअल में तो फायर स्टिक की कितनी लिमिटेशन है ये मैं अभी आज तक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस बहुत सारे हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। बट एक्चुअल में अगर अब मैं इसकी सर्किटरी की बात करूँ, क्योंकि एक इसके अंदर रैम है, एक इसके अंदर प्रोसेसर है, और एक यहाँ पर रेगुलेटर भी लगा हुआ है। रेगुलेटर ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद इस तरफ ये EMMC IC भी लगा हुआ है। एंड जो ये वाला एक हमारे पास यहाँ केसिंग लगा हुआ है, ये केसिंग सोल्ड है, हम इसको ओपन नहीं कर पाए। बाकी इसके ऊपर तो ये कवरिंग थी, कवरिंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो इस तरफ की कवरिंग है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। कवरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो ये रैम और प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके ऊपर ये थर्मल पैड लगे हुए थे। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये जस्ट जो ब्लू कलर के आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे, ये थर्मल पैड लगे हुए थे। एंड इसकी जो शील्ड है, ये नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये शील्ड है। शील्ड के ऊपर आई थिंक 1 mm का और 1 mm से भी कम का एक एल्युमिनियम का जो है शीट लगाया हुआ है, ताकि ये जो इसका शील्ड है ये ठंडा रहे, और इवन जब भी ये चले ये काम करे तो ये ठंडा रहे। ये इसका इस तरफ का केसिंग है, और ये वाला इसका दूसरी तरफ का केसिंग है। और दूसरी तरफ की केसिंग की भी मैं आपको बता दूं, ये शील्ड है जो IC को प्रोटेक्ट करती है, एंड उसके ऊपर ये एक एल्युमिनियम की एक स्ट्रिप टाइप लगाई हुई है, ताकि ये ठंडा रहे जब भी इसका वर्किंग हो। तो कुछ इस तरीके का ये है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसकी सर्किटरी की, तो यहाँ पर जब हम इसको 5 वोल्ट इनपुट करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ रेगुलेटर में आता है। रेगुलेटर में आने के बाद अगर मैं बात करूँ रैम की, तो ये जो रैम है ये 1.8 वोल्ट पे ड्राइव होता है, जो हमारा प्रोसेसर है ये 1.2 वोल्ट पे ड्राइव होता है, एंड इसको किसी जगह पर 3.3 का भी रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें EMMC की, तो हमारा EMMC क्लियर 1 वोल्ट और 1.3 वोल्ट पे काम करता है। दोनों में से कोई भी इसको जो भी इसका रिक्वायरमेंट होता है वो ये ले लेता है, लेकिन मिनिमम 1 वोल्ट पे ये काम करना शुरू कर देता है। और क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं फिर से दिखा पाऊँ, 5.25 वोल्ट मैक्स 1 एम्पियर,
तो 5 वोल्ट यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 5 वोल्ट से कम का अडेप्टर आई थिंक कि शायद अभी कोई बना है, तो वो किसी भी तरीके का अडेप्टर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका अडेप्टर दिखाता हूँ जो इसी के साथ में आता है, और उसका अगर मैं इस तरफ से कॉन्फ़िगरेशन दिखा पाऊँ तो ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ही है एंड 5 वोल्ट का है। तो 5 वोल्ट आप जानते हैं करंट इनटू वोल्टेज, तो आपका वोल्टेज निकल आता है। तो ये 5 वोल्ट का ये चार्जर है एंड साथ में आपको एक ये मेल टू फीमेल HDMI केबल मिल जाती है। तो इनको अब हम साइड में रखते हैं, और एक हमें ये माइक्रो USB केबल भी मिल जाती है। मैं आशा करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हमें माइक्रो USB मिल रहा है, तो मैं आशा करता हूँ अमेज़ॉन से कि फ्यूचर में शायद हमें टाइप सी देखने को मिल जाए। अगर हमें टाइप सी देखने को मिल जाए तो शायद हमारा जो एक ये हमें मिला है जो ये फायर स्टिक है, हम इसको थोड़ा सा और इजीली यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि माइक्रो यूएसबी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मेरे को माइक्रो यूएसबी से पता नहीं क्यों बट हेट है, पर्सनली बहुत हेट है। तो ये कुछ एंड इसके अगर वाईफाई बैंड की बात करूं तो वो वीडियो कॉन की तरफ से आता है। इसके अंदर ये मैंने रीड किया जस्ट, क्योंकि इसके अंदर ये शील्ड है, ये पूरा पैक्ड है, तो इसको तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो WLAN यानी वायरलेस LAN के लिए जो इसके अंदर लगा हुआ है एंड जो ब्लूटूथ के लिए लगा हुआ है, वो इसके अंदर वीडियो कॉन का लगा हुआ है, ऐसा मैंने जस्ट पढ़ा है इस Amazon Fire Stick की डेटा शीट के अंदर। बाकी कुछ इस तरीके का ये आपको दिखता है। मैं एक बार वापस से रिकैप बता देता हूँ, ये हमारा फायर स्टिक का एक PCB है, मल्टी लेयर PCB है यहाँ पर, और यहाँ पर आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही देख पाएंगे। एंड मैं एक बार वापस से फिर से आपको बता दूँ, ये प्रोसेसर है जो कि 4 कोर का है, 1.7 GHz का है। ये इसके अंदर एक रैम लगी हुई है जो कि 8 GB की है, 2 चैनल की है, LDDR4 है। माफ करना मैं पहले नहीं बता पाया था आपको, ये LDDR4 रैम है। उसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये भी MediaTek का ही है। और इसको हमने कैसे पता किया कि ये रेगुलेटर है, क्योंकि इसके आसपास में मल्टीपल इंडक्टर्स लगे हुए हैं। तो क्योंकि मल्टीपल इंडक्टर्स लगे हुए हैं तो ये 5 वोल्ट का इनपुट लेकर के इन मल्टीपल आउटपुट्स यहाँ पर जो है आउट कर रहा है। उसके बाद हम बात करें इस तरफ की, तो यहाँ पर ये EMMC लगा हुआ है जो कि 8 GB का है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा पास से अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप इसको नंबर को गूगल पे टैग करके इसका बाकी डिटेल भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कौन से वर्जन का है, इसका UEFI वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बाकी बेसिक मैंने आपको बताया, बहुत ही एक बेसिक सा बना हुआ है, ये इस तरीके से काम करता है। एंड एक ये सिंपल अडेप्टर से 5 वोल्ट के अडेप्टर पे काम कर लेता है, इजीली काम कर लेता है, क्योंकि हमारे किसी भी सर्किट को चलने के लिए बहुत कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि EMMC को 1 वोल्ट, प्रोसेसर को 1.2 वोल्ट एंड जो हमारा रैम है उसको 1.8 वोल्ट चाहिए सिर्फ चलने के लिए। एंड जिस तरीके से दिन डे बाई डे हमारे प्रोसेसर और हमारे ICs के बीच का जो पिन्स होती हैं, उन पिन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी बहुत कम होता जा रहा है। जैसे कि मैं भी कुछ सालों पहले अगर हम बात करें तो वो करीब 18 होता था, किसी में 15 होता था या 13 भी होता था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोसेसर हैं या फिर आप रैम की भी बात कर लो तो वो आई थिंक 7 nm या फिर 5 nm, यानी कि उनका जो पिन्स के बीच का डिस्टेंस रहता है वो 5 nm, 7 nm, तो इस तरीके से है। तो जिस तरीके से उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है या करंट है उसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा। और आने वाले फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट हमारा और भी कम हो जाए, तो हमारे जो ये सर्किट हैं, जो हमारे इस तरीके के सर्किट हैं, ये और भी ज़्यादा पावर एफिशिएंट बन जाए। तो ये था मेरी तरफ से पूरा एक टीयर डाउन आप कह सकते हो एक अमेज़न की फायर स्टिक का। मैं वापस से आपको थोड़ा सा क्लोज लुक इसका दे देता हूँ, ये फ्रंट का कह सकते हो आप या फिर बैक का भी, कि आप अपने तरीके से जो है डिसाइड कर लेना। तो ये मेरी तरफ से एक टीयर डाउन और पूरा सर्किट जो भी इसके अंदर बना हुआ है उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन, उसका एक एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से था। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोज तो बहुत पसंद कर रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।